मैं एक टियर टू कॉलेज में थी दिल्ली यूनिवर्सिटी में, सो मैंने कभी सोचा नहीं था कि मुझे एक आईवी लीग कॉलेज में एडमिशन मिलेगा, बट आई एक्चुअली अप्लाइड एंड आई मेड श्योर दैट आई डू गेट एडमिटेड. आई रीच आउट टू द एकेडमिक डायरेक्टर एज सून एज आई अप्लाइड, आई रेड हिज बुक्स. So hey guys, today we have Nupur here who will be sharing her background as a commerce student in India in Indian high school, then to pursue masters in risk management in Columbia University. So hi Nupur, can you please introduce yourself and your background? Ki aapne 12th mein like how was your journey? Aapne 12th mein commerce li, uske baad aapne 3 year ki degree pursue ki, and how was the journey from there? Yeah. Hi Harnoor, thanks for having me here. तो मैंने अपनी 11th और 12th कॉमर्स में करी थी इंडिया में, एंड फिर मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से अपनी अंडरग्रेड करी, बी कॉम ऑनर्स कंप्लीट करी, और उसके बाद मैं बहुत क्लियर थी कि मुझे अमेरिका आना है. तो लेकिन मुझे थोड़ा कंफ्यूजन था क्योंकि काफ़ी जगह ऐसे बोला जाता है कि 3 इयर्स की जो डिग्री है वो एक्सेप्टेड नहीं होती है, तो आपको एक और मास्टर्स करना ज़रूरी है. तो वो कन्फ्यूजन में मैं नेविगेट नहीं कर पा रही थी कि मुझे क्या मैं डायरेक्टली आ सकती हूँ, क्या मैं नहीं आ सकती. तो इसलिए मैंने आई थिंक 1.5 years तक CNBC में जॉब करी, एंड देन आई अप्लाई टू कोलंबिया यूनिवर्सिटी. आई अप्लाई टू द एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट प्रोग्राम एंड आई गॉट इन, सो आई जॉइन इन फॉल 2019. Oh, that's amazing. So why didn't you apply directly from college? Both students, matlab third year ke baad seedha hi direct seedha hi apply kar lete hain, and like, so why did you plan to gain some experience? So I feel like bahut engineering students ke liye ya jo tech background se hai, unke paas role models hote hain in terms of seniors jinhone directly undergrad se masters ke liye apply karke aaye hote hain. Par मेरे केस में मैं किसी को जानती नहीं थी जिसने मेरी डिग्री करी और फिर मास्टर्स करा US से, क्योंकि जो कॉमर्स बैकग्राउंड में है मोस्टली बच्चे MBA के थ्रू आते हैं, पर मुझे मास्टर्स करना था. तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं MBA करूं इंडिया से या थोड़ा वर्क एक्सपीरियंस लेके US से MBA करूं या फिर मैं अपना मास्टर्स करूं. तो आई थिंक वो एक एनालिसिस पैरालिसिस में मैं थी फॉर अ ईयर, और फिर मैंने सोचा, मैंने काफ़ी फैक्टर्स वेट करे और फिर मैंने सोचा कि द बेस्ट थिंग फॉर मी टू डू वुड बी टू डू अ मास्टर्स इंस्टेड ऑफ एन MBA फ्रॉम द US, और इसलिए मैंने 1.5 साल काम किया, वर्क एक्सपीरियंस गेन किया और फिर मैंने अप्लाई किया. Yeah, and also like when I was applying, जैसे आपने कहा कि you had a 3 year degree, lot of places in US, it is pretty much understood कि अगर आप bachelor's degree लिख रहे हो, it is a 4 year degree. Like they always write any 4 year or equivalent degree. So how did you find out that your 3 year degree in India and like is equal to a 4 year degree in the US and आप eligible भी हो to apply to Columbia University? So मुझे भी वो doubt था काफी time तक, और मुझे हर बार जब मैं किसी को अपना प्लान बताती थी कि मुझे अपना मास्टर्स करना है, लोग मेरे को यही बोलते थे कि आपके पास एक 4 ईयर अंडरग्रेड डिग्री होना बहुत ज़रूरी है, तो शायद आपको इंडिया से एक मास्टर्स करना पड़ेगा या 1 साल करना पड़ेगा. पर जब मैंने लोगों से बात करी जिन्होंने 3 साल की डिग्री करके जो US में आए थे, तो मुझे पता लगा कि आज की डेट में बहुत कॉलेजेस ऐसे हैं जो एक 3 ईयर अंडरग्रेड डिग्री को एक्सेप्ट करते हैं. जैसे दैट्स ब्रांडाइज यूनिवर्सिटी, जिसमें मेरे काफ़ी दोस्त हैं जिनसे मैंने बात करी जिन्होंने इंडिया से 3 ईयर का डिग्री किया था, और आई थिंक यूनिवर्सिटी ऑफ रॉचेस्टर है. सो आई थिंक वो रिक्वायरमेंट अभी काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ में एग्जिस्ट नहीं करता, एंड कोलंबिया में भी वो रिक्वायरमेंट नहीं था, मेरे स्कूल में वो रिक्वायरमेंट नहीं था कि आपको 4 साल की डिग्री करनी ज़रूरी है. तो मैंने लोगों से बात करी लिंक्डइन पे, आई रीच आउट टू पीपल एंड आई फिगर आउट कि I think over a period of time, ये requirement जो है, ये flexible हो गए थे colleges. So that's how I figured it out. Interesting. And on the top of that, there's also a fear in mind कि since you're from a commerce background, तो अगर आप non-STEM major choose करोगे, like for example, MBA is a non-STEM major, आपको 1 साल का OPT मिलता है, but a lot of schools are converting it to a STEM major, for example, Stanford, और काफी schools में option दी जाती है, like आप थोड़े से STEM courses ले लो. For example, my roommate is taking like MS in Quant साथ में with MBA, so that it's a STEM degree. And other students are also taking some courses in STEM here and there, ताकि उनकी degree STEM बन जाए and they can get 3 years of work permit. So how about for MS in risk management? तो आपको कैसे पता चला? Like is it also STEM or non-STEM? या सो मेरी जो डिग्री है वो एक स्टेम डिग्री है, एंड मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी यही था कि मुझे एक स्टेम डिग्री करना है, क्योंकि
यू गेट 3 अटेम्प्ट्स एट योर H1B लॉटरी. सो जैसे इस बार मेरा H1B जो पिकअप नहीं हुआ है तो फिर भी मेरे पास 2 और अटेम्प्ट्स है. सो ये भी चीज काफी लोगों को नहीं पता है कि कई जगह जो मास्टर्स इन फाइनेंस है या जो MBA है वो कॉलेजेस हैव स्टार्टेड मेकिंग इट स्टेम ताकि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए कन्वीनियंट हो एंड दे हैव मोर अटेम्प्ट्स एट द H1B लॉटरी. सो अगर कोई स्टूडेंट रिसर्च कर रहा है यूनिवर्सिटी के बारे में और कोर्सेज के बारे में तो डेफिनेटली आई वुड से कि रीच आउट टू द एडमिशंस ऑफिसर एंड जो भी एडमिशंस कॉन्टैक्ट है उनसे रीच आउट करके डेफिनेटली कंफर्म करें कि क्या ये डिग्री स्टेम डिग्री है या कुछ कोर्सेज लेके कैन द डिग्री बी मेड स्टेम और यू नो स्पीक टू एलम्स एंड करंट स्टूडेंट्स एंड फिगर आउट क्योंकि द एडवांटेजेस ऑफ डूइंग अ स्टेम डिग्री आर मच मोर. टुडे अ लॉट ऑफ कॉलेजेस हैव आल्सो मेड दैट MBA स्टेम जो जिस रीजन से काफी लोग MBA नहीं करते थे और मास्टर्स करते थे वो क्योंकि MBA यूजली स्टेम नहीं होता था पर आज वो भी रोड ब्लॉक है वो चला गया. सो आई थिंक द की इज टू डू योर रिसर्च प्रॉपर्ली एंड फिगर आउट. So I agree that's a very good point. And moving on with the academic background, तो काफी students को पता भी नहीं होता if they are a valid or even an eligible candidate कि उनका admission Ivy League में हो जाएगा. So at what point of time you found out कि हाँ I should definitely apply to Columbia and to other competitive schools in US. So I feel कि unless you apply you don't know and admissions जो है US में वो बहुत different है admissions India में. तो वो तुम्हारा होलिस्टिक प्रोफाइल देखते हैं तुम्हारा स्टेटमेंट ऑफ पर्पस तुम्हारे मार्क्स तुम्हारा GRE स्कोर एंड एवरीथिंग शुड एड अप टू योर वन स्टोरी. सो फॉर मी लाइक इन माय केस मैंने मुझे पता था कि मेरा जो अंडरग्रेड का परफॉर्मेंस है जो एकेडमिक्स है वो बहुत हाई नहीं है पर मेरा GRE स्कोर काफ़ी अच्छा था और जो मैंने अपना स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिखा उसमें मैंने अपनी स्टोरी एक्सप्लेन करी कि मुझे क्यों ये डिग्री करनी है और अगर आपका अंडरग्रेड GPA इतना हाई नहीं भी है सो आई डोंट थिंक दैट शुड डेटर यू फ्रॉम अप्लाइंग टू यूनिवर्सिटी दैट यू वांट टू गेट इनटू. यू शुड डेफिनेटली मेक फोकस ऑन योर स्टोरी कि क्यों आपका अगर आपका GPA लो भी था तो उसको अगर आप एक्सप्लेन कर सकते हो आपके स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में तो वो एक्सप्लेन करो और डेफिनेटली अप्लाई करो. क्योंकि आई पर्सनली नो सो मेनी पीपल इन कोलंबिया हु डिड नॉट हैव अ ग्रेट अंडरग्रेड GPA और हु डिड नॉट हैव अ ग्रेट GRE स्कोर बट स्टिल गॉट इन. सो आई डेफिनेटली डिड नॉट थिंक दैट वॉज अ डेटरेंट फॉर मी इवन दो माई अंडरग्रेड GPA और परसेंटेज वॉज इन सुपर हाई. So, and also talking about GRE, aapne GRE diya tha ya GMAT, like if you want to share your score. Sure. So I actually gave GMAT first and then I also gave GRE because a couple of colleges were not accepting GMAT at that point. So I can share my score. So in GMAT, I got a 730. Mm-hmm. And in GRE, I got a 329, I think, with a 167 in quant, if I'm not wrong. Yeah. So, agar abhi in future, if student want to decide between GRE and GMAT, he should mainly choose GRE, right? Because wo takriban har program ke liye accepted hai, right? I feel, yeah, if you're doing a master's, then GRE definitely accepted hai. So, GRE is more widely accepted. But again, depends on which test you can perform better in. Like, mujhe pata tha ki mere liye GRE mein perform karna zyada acha, bahut easy hai compared to GMAT. बट ये चीज मुझे बाद में पता चली जब मैंने मॉक्स दिए. सो आई वुड सजेस्ट दैट टेक द मॉक्स फॉर बोथ दीज एग्जाम्स बिकॉज ये एग्जाम्स बहुत डिफरेंट है. तो जरूरी नहीं है कि आप एक में अच्छा परफॉर्म करोगे तो आप नेचुरली दूसरे में भी अच्छा परफॉर्म करोगे. एंड डेफिनेटली लुक एट द वेबसाइट्स ऑफ द यूनिवर्सिटीज दैट यू आर प्लानिंग टू अप्लाई टू एंड देन फिगर आउट व्हाट एग्जाम यू वांट टू टेक. Okay. So since you had a background in accounting and finance in your undergrad and baad mein aapne masters kiya in risk management, so how difficult you think was for you to find a job after your masters? Matlab ye jo background hai, is it like favorable to find a job in Wall Street and New York or like more difficult? So Harnoor, I feel like the job hunting situation in the US is very different from the jobs hunting situation in India. पर यहाँ पे ये एक एडवांटेज है कि आपके स्किल्स और आपका नेटवर्किंग स्किल्स जो है वो बहुत मैटर करते हैं. आपके जो टेक्निकल स्किल्स कम्युनिकेशन स्किल्स एंड नेटवर्किंग स्किल्स. तो इन टर्म्स ऑफ डिफिकल्टी इट वाज डिफिकल्ट बिकॉज इट्स डिफिकल्ट फॉर एवरीबडी. पर जब मैं इंटरव्यू कर रही थी मैं बहुत क्लियर थी कि मुझे कंसल्टिंग कंपनी में जाना है. तो अभी राइट नाउ आई एम वर्किंग एज अ मैनेजमेंट कंसल्टेंट विद EY. सो व्हेन आई वाज इंटरव्यूइंग आई मेड श्योर
to explain in the interview why I was the best person for this job, because I had the right technical skills and the communication skills. So in terms of difficulty, it's difficult, but then it's difficult for everybody. And the second thing that a lot of people underestimate is networking. So what I did was I reached out to as many people as I could as soon as I started my master's at Columbia. Mm-hmm. And I made sure that I got referred by the right person in the company that I wanted to go to. And I got an internship from that company, and then I converted the offer. Oh. So the first step is getting your foot in the door, right? And that's what you do through networking. So I don't think your background really matters a lot. Like, the job that I do could also be done by a tech person, or could also be done by a person with a humanities background. So your background does help, but only to a certain extent. But more than that, it's your skills. And if you can crack the interviews with the skills that you have, then I don't think that anything is a roadblock, including your background. Oh, yeah. I have seen a couple of times as well. Computer science ke students, product management mein ja rahe hain. So background is not a restriction. I think as long as you can prove your skills and jo aapke skill sets hote hain and communication, I think you're good to go, right? So yes. Like, if you want to share an example, like aap jis team mein kaam karte ho, like, how, from what different background they are, like, if you want to give an example, if you feel comfortable. Sure. Meri jo senior hai, wo computer science and information systems ke background se hai. Meri jo manager hai, I think she did her undergrad in economics. Mere saath aur kai log hai jinhone maths mein undergrad kiya hai. So eventually, like, hum log kaam sab same kar rahe hai, par backgrounds kaafi alag alag hai. तो व्हेन इन योर इंटरव्यू प्रोसेस वो बस असेस करते हैं कि क्या तुम वो काम कर सकते हो, एंड योर बैकग्राउंड हेल्प्स यू इन टर्म्स ऑफ, आपको बेसिक्स पता होते हैं, पर वो बेसिक्स आप जॉब करते करते भी फिगर आउट कर सकते हो. दैट मेक्स सेंस, क्योंकि स्टूडेंट्स जो अभी भी जो 10th से निकले हैं या फिर अभी 12th से निकले हैं, दे आर स्टिल थिंकिंग कि उन्हें ह्यूमैनिटीज या आर्ट्स कॉमर्स जो भी लेना चाहिए, इट डजंट मैटर, एट द एंड ऑफ द डे यू गेन द राइट स्किल्स. Yes, definitely. No. And especially consulting में, मतलब काफी लोग ऐसे हैं मेरे कंपनी में जिन्होंने जिनका undergrad psychology में था, या जिनका undergrad even music studies में था. But मैं ये definitely कहना चाहूंगी कि अगर आप, जैसे मैं management consultant हूँ, so मेरे लिए being from a commerce/accounting/finance background, it was easier to crack, get my foot in the door, because. But then ultimately, like, I don't think it matters eventually. Like, once you're 5-6 years into the firm, then what people look at is the work that you've done and not what your undergrad background was. Awesome. And finally, if you want to share any job hunting tips for the students, especially in COVID lockdown, matlab networking karna thoda difficult hai unke liye abhi. So I feel like, look at everything as an opportunity. If you feel like because of the lockdown, you're not being able to network in person, like, look at it as a good thing, because now you can network virtually with more people you could have in person, right? Like, if you're networking in person, you could probably only network with the people in your city. I got referrals and networked with people and became good connections with people I never actually met in person. But I built a relationship with them over a period of time by reaching out to them initially to get career advice, and then I made them my mentors. So I would say, as soon as you start the program, the first day you come to the United States, you should start networking and start building a network of people who will sponsor you, who will mentor you, who will vouch for you within a company, who are willing to refer you. So, and that process should start as early as possible. And the second advice that I would kind of like to give is network with people across different levels. तो अगर आप नेटवर्किंग शुरू कर रहे हो तो ये मत सोचो कि मुझे सिर्फ मैनेजिंग डायरेक्टर या पार्टनर के साथ नेटवर्क करना है और उनसे ही मुझे रेफरल चाहिए. आप सबसे नेटवर्क करो, स्टार्टिंग फ्रॉम द पर्सन हु इज इन द लोएस्ट पोजिशन इन द कंपनी. बिकॉज अगर आपको, इवन तो आपको रेफरल नहीं मिल सके, या आपको एक स्पॉन्सरशिप नहीं मिल सके, या मेंटर नहीं मिल सके, तो आपको कुछ अच्छे टिप्स मिल जाएंगे उनसे. जैसे मैं कंसल्टिंग के रोल्स के लिए इंटरव्यू कर रही थी, तो अगर मैंने किसी जूनियर कंसल्टेंट से नेटवर्क करके उससे बात करी, तो मुझे टिप्स मिले कि हाँ, मेरा इंटरव्यू ऐसा गया था, तो आप ये चीज़ें कर सकते हैं. अगर मैंने एक मैनेजिंग डायरेक्टर से नेटवर्क करके बात करी, तो मुझे ये टिप्स मिले कि आप ये चीज़ें कर सकते हैं अपने करियर में एडवांस करने के लिए. तो डेफिनेटली नेटवर्क करिए, और जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी शुरू करिए. एंड आई थिंक वन मोर थिंग दैट आई वुड लाइक टू से इज, I feel like as Indians, we kind of tend to second guess ourselves and doubt ourselves. So don't do that. Just apply to as many places as possible. Apply to your dream colleges, apply to your dream companies, and make that happen.
मैंने मैं एक टियर टू कॉलेज में थी दिल्ली यूनिवर्सिटी में. सो मैंने कभी सोचा नहीं था कि मुझे एक आईवी लीग कॉलेज में एडमिशन मिलेगा. बट आई एक्चुअली अप्लाइड एंड आई मेड श्योर दैट आई डू गेट एडमिटेड. आई रीच आउट टू द एकेडमिक डायरेक्टर एज सून एज आई अप्लाइड. आई रेड हिज बुक्स. आई रीच आउट टू हिम विद अ कपल ऑफ क्वेश्चंस एवरी कपल ऑफ डेज एंड अल्टीमेटली आई डिड गेट अ रिकमेंडेशन फ्रॉम हिम. सो टेक ऑन बिग चैलेंजेस इन लाइफ एंड जस्ट गिव योर एवरीथिंग टू मेक श्योर इट हैपेंस. So that's a wonderful point. I completely agree. जब आप किसी junior consultant या junior software developer को reach out करते हो, the probability of him replying back to you on LinkedIn or wherever is much higher. And also you mentioned that you reached out to the academic director of Columbia University or your department in Columbia University, right? Yeah. So how you got a reply from him, like, or her? So I would say that I made my message very specific. अगर आप एक जेनेरिक मैसेज डालोगे कि मुझे एडवाइस चाहिए प्लीज हेल्प मी आउट, तो आई डोंट थिंक आपको रिप्लाईज आएंगे. पर मैंने अपना मैसेज बहुत ही टेलर मेड और बहुत ही स्पेसिफिक बनाया. आई रेड हिज बुक. ही इज रिटन अ बुक सो आई रेड हिज बुक. आई हैड क्वेश्चंस ऑन दैट एंड आई रिसर्च्ड अबाउट हिम. आई रेड अबाउट हिज बैकग्राउंड एंड हिज जर्नी एंड आई मेड माई ईमेल वेरी स्पेसिफिक. सो मेक श्योर दैट यू नो व्हेन यू आर सेंडिंग आउट ईमेल्स टू योर प्रोफेसर्स और यू नो पीपल इन हायर पोजिशंस इन कंपनीज, डोंट send out a very generic message that hey please help me out or please refer me. Make sure that the person who's reading the message knows that the message is specifically towards him or her and you're very interested in their journey. And that's how I made sure that I get a reply from my academic director or the senior people that I reached out to in the firms that I ultimately interviewed for. So I would say that is definitely a thing that you should do. Oh, that's so amazing. My roommate bhi yahi kiya tha. He actually studied accounting from a book that was written by Georgia Tech professor. And what was the book you read? It's called The Corporate Value of Enterprise Risk Management. So wo jo book hai value based enterprise risk management pe hai, to wo mere academic director ne likhi thi. So before even I joined Columbia, maine wo book padhi. Before I even joined, I think before I even applied to Columbia, I read that book. And I also referenced that book in my statement of purpose. Oh, wonderful. So I think that really helped me. So thank you so much, Nupur, for your incredible, incredible knowledge. And I'm sure this will help a lot of prospective students who want to be at Columbia and also want to be at Wall Street. Sure. And if anything, anybody can reach out to me on LinkedIn. I'm very responsive and can help you out with any queries that anybody might have. Yep. I'll surely leave it in the description below. So thank you so much.